स्वागत है आप सभी साथियों का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत किसी भी मैथ्स के टॉपिक को बताते हुए कैलकुलेशन ट्रिक पे कैसे काम करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और कैलकुलेशन ट्रिक से रिलेटेड ये सेकेंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन ट्रिक के दौरान मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है वो आपको बताया था, ठीक है, पाँच डिजिट नंबर्स का। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि मैथ्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए, टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए आपको कैलकुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी मैथ्स के कॉन्सेप्ट पे आपने काम कर लिया है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की है, तो वह प्रश्न आपको आते हुए भी हो सकता है कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक हो जाए या आंसर ना आए या फिर आपको देरी लगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड का भी समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा टॉपिक के पैरेलली। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैलकुलेशन ट्रिक के अंतर्गत मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता है, लेकिन हम थोड़ा अप्रोच चेंज करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। प्राइमरी स्कूल में जैसे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था वैसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। कई बार नंबर सिस्टम के अंदर जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में इंटेंशनली गुणा पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो परीक्षक आपसे यही आपको चेक करना चाहेगा कि आपको वो ट्रिक मैथ्स के अंतर्गत आता है कि नहीं, जिसमें आप जल्द से जल्द या कम से कम समय में गुणा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी गुणा को करने के लिए आपके पास वैदिक गणित का मेथड होता है, जिसमें बहुत ही कम समय में किसी भी संख्या का गुणा आप कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड एप्लीकेबल होते हैं प्रश्नों के हिसाब से। फिलहाल आप देखिए शुरू के तीन प्रश्न, 97 का गुणा 96 के साथ, 99 का गुणा 98 के साथ और 68 का गुणा 99 के साथ। तो इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जो दो संख्या जिसकी गुणा करना है हमको वो 100 के आसपास है, या फिर एक संख्या जो है वो 100 के आसपास है ना। तो इस मेथड को हम निखिलम मेथड से सॉल्व करेंगे। निखिलम विधि वैदिक मैथ्स का विधि है, बहुत ही कम समय में आंसर आपको मिल जाता है। तो सबसे पहला उन दो अंकों की संख्याओं का गुणा करेंगे जो 100 के आसपास है, या फिर 10, 100, 1000 या 10000 के पास है। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में जो ओरिजिनल बेस हमको लेना होता है, ओरिजिनल बेस जो लेना होता है, मतलब बेस मतलब जो दो संख्या जिसका गुणा करना है वो किसके पास है, वो बेस है। तो 10, 100, 1000, 10000 इस प्रकार कोई भी ओरिजिनल बेस होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो संख्या 97 और 96 का गुणा करना है वो कौन से बेस के पास है, दिख रहा है आपको 100 के पास है। तो इस प्रश्न में हमने बेस क्या ले लिया, 100 ले लिया। चलिए ठीक है, अब बताइए जो पहली संख्या है बेस से कितना कम है, तो आप बोलेंगे कि 3 कम है, तो कम है तो क्या लगा दिया सामने में, ऋण, ठीक है। 96 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 4 कम है, तो 4 कम है इस कारण लगा दिया ऋण 4 माइनस 4। अब देखिए डायरेक्ट मैं आंसर लिखने वाला हूं अगले पार्ट में, आंसर के दो भाग होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, क्लियर है, लेफ्ट राइट। राइट साइड में हमेशा इन दोनों नंबर का गुणा आएगा, इन दोनों का गुणा, मतलब 4 3 12 और ऋण मिलके क्या हो जाएंगे जब गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण धन माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4 3 12 और ऋण ऋण धन ही आएगा, मतलब प्लस 12 आने वाला है राइट साइड में, क्लियर है। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, तो लेफ्ट साइड में सुनिए क्या आने वाला है, लेफ्ट साइड में हमेशा डायगोनली ऐड करने से, मतलब इसको और इसको ऐड करने से, डायगोनली विकर्णतः जोड़ने से, या फिर इस संख्या को विकर्णतः जोड़ने से जो अंक आएगा वो आएगा लेफ्ट साइड में। तो देखिए 97 में आप ऋण 4 जोड़ेंगे, 97 में आप ऋण 4 जोड़ेंगे, बात समझ में आ रही है, ऋण 4 जोड़ रहे हैं आप, मैंने बोला है जोड़ना है, चलिए साइन को इंक्लूड करते हुए, तो साइन क्या है, चिन्ह क्या है पर ऋण 4, तो ये क्या होने वाला है अल्टीमेटली 97 ऋण 4 ही तो होगा, क्योंकि धन और ऋण, ऋण और धन क्या हो गए, ऋण होगा, मतलब माइनस और प्लस माइनस ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो 97 में 4 जब घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 93। या फिर आप उल्टा देख लीजिए कि 96 में 3 आप माइनस 3 आपको जोड़ना है, मतलब 96 में 3 घटाना है, तो इस तरीके से भी आपको क्या प्राप्त होगा, 93। तो या तो आप इसको इसमें से जोड़ लीजिए चिन्ह को शामिल करते हुए, या फिर इसको इसमें से जोड़ लीजिए चिन्ह को शामिल करते हुए, दोनों केस में एक ही आंसर आएगा, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में आने वाला है। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा भाई आपका, 93 डायगोनली ऐड करने से इंक्लूडिंग साइन, तो ये जो आपका आया है यही आंसर है 93 12, क्लियर है, ठीक। चलिए इसकी बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
एग्जाम्पल दो तीन के साथ समझ में आ जाएगा। और 99 और 98 का गुणा करना है, फिर से यहाँ पर बेस क्या रहने वाला है, यहाँ पर बेस फिर से रहने वाला है 100। तो देखिए अब आप बोलेंगे बेस 100 है तो ये 100 से कितना कम है, आप बोलेंगे ऋण 1 माइनस 1, ठीक है। ये 100 से कितना कम है तो आप बोलेंगे माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट आप आंसर लिख लीजिए। चलिए आंसर लिखते हुए दो पार्ट करेंगे, लेफ्ट और राइट। राइट साइड में हमेशा इन दो अंकों का जो भी डेफिसिट रहता है या सरप्लस, अभी तो ऋण आ रहा है मतलब डेफिसिट कम है, डेफिसिट बोलते हैं उसको। जब कभी भी 100 से मतलब अधिक होगा कोई नंबर तो प्लस में अगर आएगा तो उसको सरप्लस कहेंगे, क्लियर है। तो अभी डेफिसिट आ रहा है तो दोनों का गुणनफल, एक और दो का गुणनफल होगा 2 और ऋण हो जाएंगे धन, माइनस माइनस प्लस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2 का 1 का गुणा करके 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है 02 लिखना है। रीज़न क्या है तो सुन लीजिए, राइट साइड में हमेशा उतने ही अंक आएंगे, राइट साइड में हमेशा उतने ही अंक आएंगे जितना कि बेस में 0 है। बात समझ में आई? तो बेस में कितने 0 हैं, 2। तो राइट साइड में हमेशा 2 अंक आएंगे जब तक बेस आप 100 ले रहे हैं। इन केस कभी आपको बेस 10 लेने की आवश्यकता होती है तब जो राइट साइड में अंक आएंगे वो कितना अंक आएगा, एक ही अंक आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, क्योंकि यहां पर 0 कितना है, 1 0 है। बात समझ में आई? तो राइट साइड में अंकों का निर्धारण कैसे होगा कि कितने अंक होंगे, बेस में जितने 0 हैं उतने ही अंक राइट साइड में आएंगे। क्लियर है दोस्तों आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 1 का गुणा करके 2 आएगा, लेकिन इसको 02 लिख दिया, रीजन मैंने आपको बता दिया। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा होगा डायगोनली ऐड करने से जो नंबर आपको मिलेगा, विकर्णतः जो योग करने से नंबर मिलेगा वही होगा। तो 99 में आप ऋण 2 जोड़ दीजिए, मतलब सीधी सीधी बात है कि 99 में आप 2 घटा दीजिए तो 97 मिलेगा, या फिर 98 में ऋण 1 जोड़ने से माइनस 1 जोड़ने से भी आपको 97 मिलेगा। तो दोनों केस में आपका 97 मिलेगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका, 97 02। तो इसका आंसर क्या हो गया, 93 12 गुणा करने के बाद, और इसका आंसर देखिए 97 02। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कितना जल्दी आंसर आ रहा है। एक और प्रश्न ले लीजिए जिसमें दूसरा अंक जो है वो 100 के पास नहीं है, लेकिन एक अंक जो है 100 के बहुत पास है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका गुणा कैसे करेंगे। इसमें भी आप बेस क्या लेंगे, क्योंकि 100, क्योंकि एक अंक जो है 100 के पास है। तो अब आप बोलेंगे कि जो 68 है वो 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे कि ये -32, और ये 100 से कितना कम है, ऋण 1। चलिए आंसर लिखने वाला हूँ। आंसर के दो पार्ट, लेफ्ट राइट। राइट साइड में इन दो अंकों का गुणनफल होता है हमेशा, मतलब ऋण 32 और ऋण 1 का गुणा, मतलब -32 और -1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 32 × 1 = 32, और माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। लेफ्ट साइड में डायगोनली ऐड करेंगे इसका इसका, या फिर इसका या इसका, दोनों केस में आंसर क्या मिलने वाला है, ठीक है, दोनों केस में आंसर आपको मिलेगा 67 करके देख लीजिए, और आंसर आ जाएगा 6732 गुणा करके। अब वेरीफाई करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में, या सिंपल मल्टीप्लाई करके देखिए कितना जल्दी आ रहा है आंसर। बात समझ में आ रही है? जैसे ही आपने प्रश्न को पहचान लिया कि भाई निकिला मेथड से सॉल्व होगा, मतलब बेस लेके सॉल्व होगा, विद इन 20 सेकेंड, या प्रैक्टिस करने के बाद आपको हो सकता है कि 10 सेकेंड में भी आंसर आ जाए, या पेन की आवश्यकता भी ना पड़े। समझ में आई? तो इंटेंशनली कई बार नंबर सिस्टम में ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं जिसको अन्य छात्र जो नहीं पढ़े हैं कि इस मेथड से सॉल्व होगा, वो टाइम वेस्ट करते हैं, और जिनको पता है 10 सेकंड में बना के आगे बढ़ जाते हैं, और उसी समय का सदुपयोग दूसरे प्रश्न बनाने में कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया आपका निखिलम मेथड। एक जो और एग्जांपल है इधर देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है ये वाला। इसमें क्या करना है, 102 का गुणा 98 के साथ करना है। तो अभी भी बोलेंगे आपकी बेस ये क्या रहने वाला है, यहाँ पर बेस रहने वाला है 100, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेस अगर 100 रहेगा तो यहाँ पर देखिए एक जो संख्या है वो क्या है, 100 से अधिक है, कितना 2 अधिक है, तो यहाँ पर धन 2 लगा दिया, मतलब अब ये सरप्लस है, अभी तक जो मिल रहा था वो डेफिसिट था, अब यहाँ पर सरप्लस हो गया, क्लियर है। लेकिन जो दूसरी संख्या अभी भी 100 से कम है, कितना कम है, ऋण 2 कम है, क्लियर। अब चलो मैं आंसर लिखने की कोशिश करूँगा दो पार्ट में विभाजित करते हुए, लेफ्ट और राइट, क्लियर। इस प्रश्न को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 62 × 67 को बाद में कर लेंगे। चलिए तो अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो देखिए क्या होगा। मैंने कहा था राइट साइड में हमेशा इन दो अंकों का जो सरप्लस या डेफिसिट आता है उनका गुणनफल होगा। तो देख लीजिए 2 और 2 का गुणनफल होता है 4। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था
राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट उतने ही होंगे जितने बेस में जीरो है, तो बेस में दो जीरो है तो यहाँ दो डिजिट आएंगे, दो अंक आएंगे, तो चार नहीं लिखेंगे, शून्य चार लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करिएगा, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस और माइनस का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, प्लस और माइनस का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों, माइनस मिलता है। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है, और प्लस का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी प्लस मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर प्लस और माइनस है दोनों का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर धन चार नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस जीरो फोर। ठीक है, सबका रीजन मैंने बता दिया, देखिए इसके साथ करेंगे क्या बाद में देखते। और लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज नहीं होना है, लेफ्ट साइड में हमेशा डायगोनली ऐड करेंगे, या तो 102 में आप ऋण दो कर दीजिए ऐड, या फिर 98 में दो जोड़ दीजिए, दोनों केस में देखिए 102 धन ऋण दो करेंगे तो 102 में दो घटाने वाली बात हो जाएगी, 100 आएगा। यहाँ पर भी 98 में दो जोड़ना है, धन है डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो भी 100 आएगा, मतलब लेफ्ट साइड में 100 आने वाला है। बात समझ में आई। अब देखिए जो ऋण चार आया है उसका करना क्या है, देखिए कुछ तो फर्क होगा, आंसर तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है कि एक मतलब 100 04, आंसर तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, ये जो ऋण चार दिख रहा है पहले तो 100 ये तो रहने वाला है, इधर वाला, इधर का जो ऋण शून्य चार दिख रहा है, माइनस 04 दिख रहा है, इसको हटा दीजिए क्योंकि इसको तो हटाना है ना, ऋण है ना हटाना है, तो इन दोनों अंकों के बदले दो जीरो लगा दीजिए क्योंकि उसको तो हटाना है, और इतना ही मतलब चार हमको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, मतलब इसमें से आपको 04 माइनस करना है, ये एक स्टेप बस एडिशनल करना होगा जब ये वाली स्थिति आएगी। क्या वाली स्थिति, कि राइट साइड में ऋण आ जाए। तो चलिए इसमें 10,000 में आपको चार घटाना है तो क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 9 था और ये भी 9 बन चुका था, तो आंसर आ जाएगा आपका 9996, 9996। बात समझ में आई डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, तो ये एक अलग केस मैंने ले लिया। चलिए एक प्रश्न और जो मैंने लिया था वो था क्या, 62 गुणित 67। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे अंतर है, आप बोलेंगे कि दोनों के दोनों संख्या जो है वो 100 के पास नहीं है, तो क्या हम इसे निखिलम मेथड से सॉल्व कर दे सकते हैं, जिससे जैसे हम पहले करते आए हैं, तो भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी जाएगा, उसके लिए एक और अच्छा मेथड है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि ये जो प्रश्न है निखिलम से कैसे सॉल्व हो सकता है। फिलहाल आपको पता चल गया कि बेस 100 नहीं लेना है क्योंकि दोनों अंक 100 के पास नहीं है, तो बेस क्या लेना है, यहाँ पर बेस ले लेंगे 60, क्योंकि जो दोनों संख्या है वो 60 के पास है। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ओरिजिनल बेस क्या हो सकता है, 10, 100, 1000, लेकिन यहाँ तो 100 ले लिया, मतलब ये ओरिजिनल बेस का कितना गुना है, ये ओरिजिनल बेस का 6 गुना है, क्योंकि ओरिजिनल बेस 10 हो सकता था लेकिन यहाँ तो 60 है, तो 10 का कितना गुना है, 6 गुना है 60। ठीक है, 6 गुणित 10 करके ही तो 60 आता है, तो ओरिजिनल बेस का 6 गुना है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या फ़र्क डालेगा आंसर में देखते जाइएगा। चलिए पहले तो हम वही स्टेप करने वाले हैं कि ये जो बेस है 60 उससे कितना अधिक है, धन 2 अधिक है, ये कितना अधिक है, धन 7 अधिक है। ठीक है, चलिए आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, दो पार्ट में अभी भी डिवाइड कर लिया, 7 गुणित 2, और धन है तो धन ही आएगा, 7 गुणित 2 करके क्या आएगा, 14, 7 into 2 14। लेकिन राइट साइड में आप बता दीजिए कि 14 में क्या मैं पूरा 14 लिखूं या फिर सिर्फ 4 लिखूं और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दूं। तो ये आंसर मैंने बताया था कि राइट साइड में उतने ही अंक होंगे जितना बेस में जीरो है, तो बेस में यहाँ तो एक ही जीरो है तो राइट साइड में भी एक ही अंक आएगा, इस कारण पूरा पूरा 14 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 7 × 14 का 4 लिखेंगे और 1 हो जाएगा ट्रांसफर लेफ्ट साइड में, कैरी फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं, हाँ सिलाई जिसको बोलते हैं, क्लियर है। अब लेफ्ट साइड में तो डायगोनली ऐड करना है, उसमें कोई चेंज नहीं है, या तो 62 में 7 ऐड कर लो या 67 में 2 ऐड कर लो, दोनों केस में 69 आंसर आने वाला है। ठीक है, अब ये कैरी फॉरवर्ड अभी ऐड नहीं करना, रुकनो एक स्टेप और क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओरिजिनल बेस का 6 गुणा है तो लेफ्ट साइड में आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल बेस 10 था उसका 6 गुना, तो इस कारण लेफ्ट साइड में जो भी आपका ये ऐड करके डायगोनली ऐड करके रिजल्ट आता है उसका 6 गुना करना पड़ेगा। चलिए 6 का गुणा कर लीजिए, 9 × 6 = 54। ठीक है, ये हो गया 5, ये अलग हासिल आई है, ये हासिल आई को अभी नहीं जोड़ना है, इसको बाद में रखे रहना, ये हो गया 5 और 6 × 6 = 36 और 5 = 41। ठीक, और राइट साइड में आपका 4 है और अभी भी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड 1 बचा हुआ ये वाला, तो अब इसमें जोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड में जोड़ना है तो फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ पर का 4 और यहाँ पर 1 जोड़ते हुए हो जाएगा 5, ये 1 और ये 4। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए जितने भी एग्जांपल मैंने आपको अभी
बताए हैं दोस्तों। यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर, जो आपको दिख नहीं रहा होगा अगर नीचे चला गया होगा। 6 का गुणा सिर्फ लेफ्ट साइड में करना, मतलब जितना भी ओरिजिनल बेस का जितना गुणा रहेगा उसका गुणा यहां पर लेफ्ट साइड में करना है। जैसे मान लो अगर बेस 70 लेते तो क्या होता, 10 गुणित 7 होता, तो लेफ्ट साइड में 7 का गुणा करते, और गुणा करने के बाद जो ये हासिल आई आया था उसको बाद में ऐड करना है। तो गुणा करने से कितना आया, 6 * 54 का 4, 5 * 6 = 36 और 5 * 41 414 आया लेफ्ट साइड में। फिर आप उसमें 1 जोड़ेंगे तो 415 आएगा, 415 आएगा, और राइट साइड का तो 4 बचा ही हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4154 ये रिजल्ट हो जाएगा गुणा करने के बाद, किसको, 62 * 67 करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका निखिलम मेथड। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को आप निखिलम मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम जा सकता है। इसके लिए एक और बेहतरीन मेथड है जिसको मैं आपको बताऊंगा बाद में, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। तो ये हो गए पूरे निखिलम मेथड। अब वो बचे हुए प्रश्नों को देखिए, एक और प्रश्न है, चलिए निखिलम मेथड से एक और प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो 3 अंकों की संख्या है वो 3 अंक की संख्या दोनों के दोनों किसके पास है, कौन से पास है, 10,000 के पास है। क्लियर है क्या, यह जो 3 अंकों की संख्या है दोनों के दोनों कौन से अंक के पास है, कौन से बेस के पास है, 10,000 के पास है। तो चलिए बेस मान लिया इसको, 10,000 को बेस मान लिया। अब देखिए ये 10,000 से कितना कम है, 10,000 से कितना कम है, माफ़ कीजिए, बेस 10,000 नहीं होगा, 1,000 होगा, है ना, 3 अंक है तो बेस जो होगा आपका 1,000 होगा। क्लियर, तो 1,000 से कितना कम है, 1,000 से 8 कम है, और ये 1,000 से कितना कम है, 4 कम है, और कम होने की वजह से यहाँ पर लगा दिया ऋण और ऋण। ठीक, आंसर लिखेंगे क्योंकि ओरिजिनल बेस तो 1,000 हो सकता है, इसमें कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा सीधा यहाँ पर लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 और 4 का गुणा किया, 8 * 4 = 32 होता है, 8 * 4 = 32 होता है, तो राइट साइड में तो 32 लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं सिर्फ 32 लिखूं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, राइट साइड में उतने ही डिजिट होने चाहिए, उतने ही अंक होने चाहिए जितने बेस में 0 है। तो बेस में कितने 0 दिख रहे हैं, 3 0 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 अंक आएंगे, लेकिन गुणा करके तो 32 आ रहा है, तो कुछ नहीं होता, 32 के आगे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, लेफ्ट साइड में डायगोनली ऐड कर लो, या तो इसको इसमें या तो इसको इसमें, दोनों केस में क्या आएगा, दोनों केस में क्या आएगा, 988। देखिए 992 में 4 घटा दीजिए, मतलब जोड़ेंगे साइन के साथ तो घटाना ही पड़ेगा, तो 992 में 4 आप घटा दीजिए, क्या आएगा, 988, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 9889880032, ये हो जाएगा आंसर आपका, वेरीफाई कर लीजिएगा आप। क्लियर है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये अलग प्रकार के प्रश्न है, 7, 8, 9, 10, हालांकि इस वाले कॉन्सेप्ट से भी बन जाएगा, लेकिन उससे एक और अच्छा मेथड है निखिलम मेथड से, जिससे आपको देख के ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, फिलहाल ये हो गया आपका निखिलम मेथड, ये प्रश्न भी निखिलम मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर बेस क्या लेंगे, आप 10,000 लेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है सबसे बड़ी, तो आपको बेस लेना पड़ेगा 10,000 क्योंकि 10,000 के पास है ये, है ना। लेकिन इसको जब 10,000 में माइनस करेंगे तो एक अलग टाइप का थोड़ा सा टाइम वेस्ट होने का चांसेस है। कैसे हम और कम समय में इस गुणन को कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए फिलहाल हम बाकी को मिटा देते हैं, चलिए इतने में काम बन जाएगा, देखते चलिए। ऊपर लिख देता हूँ मैं इस प्रश्न को, 8, 7, 9, 6, 9, 9, 9, 9, निखिलम मेथड से भी हो सकता है, लेकिन और इजी तरीके से करने के लिए क्या करेंगे देखिएगा। देखिए सबसे पहले राइट साइड में आप एक नोटिस करने को मिल रहा होगा, जो एक संख्या है, चाहे ये प्रश्न हो, ये प्रश्न हो, ये वाला हो, ये वाला हो, उसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि राइट साइड वाली जो संख्या, मतलब एक जो संख्या है, वो पूरी की पूरी 9 से बनी हुई है। तो जब कभी भी एक संख्या आपको ऐसी मिले कि जो पूरी की पूरी 9 से बनी हुई है, उसको सॉल्व करने का मेथड होता है एक न्यूनेन पूर्वेण मेथड। ठीक है, खैर मेथड का नाम जानना आवश्यक नहीं है, कैसे करते हैं वो जानना आवश्यक है, तो समझिए इसको पहले। क्लियर है, अब सुनिए इसमें करना क्या है। इसमें आपको
दो पार्ट दिख रहे हैं, ये लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट, ठीक है। आंसर मैं एक लाइन में लिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल दो लाइन में आएगा, अभी सीखने का दौर है। ये जो लेफ्ट साइड का अंक होगा जो 9 से नहीं बना है, उसमें आपको क्या कर देना, एक कम कर देना। देखिए 8, 7, 9, 6 है, तो एक कम करके क्या हो जाएगा, ये 8, 7, 9, 5, ये लेफ्ट साइड का आंसर है, ये तय है कि यही रहेगा, ठीक है। राइट साइड में क्या रहेगा, देखिए राइट साइड में है 9, 9, 9, 9, 4 बार। इस 4 बार 9 में से ये जो लेफ्ट साइड में जो अंक आया है इसको घटा दीजिए, 8, 7, 9, 5 घटा दीजिए। चलिए घटा देते फटाफट, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, ठीक। और लेफ्ट साइड में वही अंक आएगा, मैंने कहा था आपको क्या, 8, 7, 9, 5, ये हो गया आंसर आपका, ये आंसर है। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं एक न्यूनियन पूर्वायण मेथड वैदिक मैथ्स का। जब एक संख्या पूरी 9 से बनी हो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है कि दूसरी संख्या को एक कम कर दीजिए और ये एक कम करके जो संख्या मिली है उसको इस 9 से बनी संख्या से ऋण कर दीजिए, राइट साइड का आंसर हो जाएगा और लेफ्ट साइड में तो वही अंक आएगा जो एक कम करने से मिला था, आंसर हो गया ये 8795 1204। देखिए इतनी बड़ी संख्या का गुणनफल 10 सेकंड में हो गया, इंटेंशनली पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, और जो कोई कुछ पढ़ के नहीं गया है उससे सिर्फ यही प्रश्न बनते हैं, क्या आराम से गुणा करते बैठे रहता है और बहुत खुश हो जाता है कि मेरे से बन गया, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल के हमको गुणा नहीं करने हैं, इसके लिए हमको ट्रिक बनाना है, 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, इसको आप करके देख लीजिए। चलिए प्रैक्टिस है, ऊपर लिख देता हूँ मैं 97 × 999, इसका करके देख लीजिए गुणा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा, शायद मेरे बताने से पहले ही आपका आंसर आ जाए अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं। चलिए देखिए आंसर के दो पार्ट, लेफ्ट राइट, फिर से लेफ्ट साइड में आपको मैंने कहा था क्या करना है, एक कम, मतलब 97 से 1 कम करेंगे क्या मिलेगा, 96। और राइट साइड में जो भी 9 अंक की संख्या होती है, 9 से बनी हुई संख्या रहती है, उसमें इस एक कम किए हुए संख्या को घटा देते हैं, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0 और 9 बच गया यहाँ पर, और ये है 96, तो ये आंसर हो जा रहा है। देखिए फटाक से आंसर आ गया, तो आंसर क्या है, आंसर क्या है 96903, ये गुणा करके प्राप्त होगा आपको, वेरीफाई आप कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है दोस्तों। चलिए इधर देखिए ये वाला प्रश्न, अब इसको कैसे करना है, इसको नोट कर लीजिए पहले, मैं उसको इधर लिख देता हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग केस है, क्यों अलग केस है, आप जब गुणा करेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा, तो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लिया, देखिए अब नौवा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 574 में 99 का गुणा करना है आपको, तो आप बोलेंगे कि मैं इसे एक न्यूनियन पूर्वायण से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर से एक कम किया क्या हो जाएगा 573, एक कम किया 74 में 573 और ये है 99। अब आप बोलेंगे कि 99 में मैं 573 घटा देता हूँ, तो आप मेरे को बताइए कि 99 में 573 आप कैसे घटा पाएंगे, क्योंकि ये तो कम है और ये ज़्यादा है, कम संख्या में ज़्यादा संख्या घटाएंगे तो आपको ऋणात्मक आएगा, फिर ऋणात्मक को कैसे डील करना है ये नई समस्या हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, अलग कैसे हुआ कि जो 9 से बनी हुई संख्या है वो छोटी है दूसरी संख्या से, तो इस केस में क्या करना है, देखिए थोड़ा सा चेंज आएगा, इस केस में आप क्या कीजिए कि इससे एक कम तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 57399, इस पूरी संख्या में इसको एक कम किया और 99 को ऐसे लिख दिया, तो 57399 इस पूरी संख्या में आप 573 घटा दीजिए, मतलब इसको एक कम करके जो संख्या मिली उसे घटा दीजिए पूरे को, ठीक है। तो अब देखिए 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 13 में से 5 गया 8 और ये हो गया था 6, क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड 13 हो गया था, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा आंसर 5, 6, 8, 2, 6, क्लियर। तो हो गया नौवा प्रश्न, दसवा प्रश्न देख लीजिए 7, 2, 8, 3, एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और 999, तो फिर से वही परिस्थिति, अगर मैं इसमें एक कम करूँ तो क्या हो जाएगा 7, 2, 8, 2, और फिर इसको अगर 999 में घटाने जाऊँगा तो कैसे होगा, क्योंकि 999 जो है इस संख्या से कम है ना, तो नहीं है पॉसिबल, तो फिर क्या करेंगे, इसमें से एक तो कम कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 7, 2, 8, 2 और 999 को एज इट इज़ लिख दीजिए,
अब इस पूरी संख्या में इसको एक कम करके जो ये संख्या मिली है उसे घटा दीजिए, मतलब 7282 से घटा दीजिए, मतलब ये जो एक कम करके मिली थी ना उसी से इस पूरे को घटा देना है हम 7282 से। चलिए 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 7 गया 5, और ये हो गया है 7 क्योंकि कैरी फॉरवर्ड था, और ये हो गया 2 और ये हो गया 7, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ स्पेसिफिक नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना। कुछ संख्या का यहाँ लिमिटेशन क्या था कि वो जो पर्टिकुलर संख्या है वो या तो 100 के आसपास होनी चाहिए या आसपास होनी चाहिए या फिर एक संख्या पूरी 9 से बनी होनी चाहिए। जो संख्या एक दूसरे के आसपास थी और 100 के पास थी या 10 के पास थी या नहीं भी थी तो एक दूसरे के आसपास थी, जैसे हमने कौन से प्रश्न में देखा 62×67 वाले प्रश्न में देखा था, तो उस ऐसे प्रश्नों को निखिलम मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्न जो सिर्फ 9 से बने हुए हैं उसे एक न्यून इंप्रूवमेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी संख्या का गुणा कैसे करना है कम समय में वो मैं बताऊंगा अगले कैलकुलेशन ट्रिक्स वीडियो के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, और कौन से टॉपिक में आपको किसी भी मैथ्स में या रीजनिंग के टॉपिक में समस्या आती है कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को पहले उठा के पढ़ाना है। फिलहाल तो नंबर सिस्टम चल रहा है तो उसे पूरा करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के टॉपिक को इसे उठा के हम पढ़ने वाले हैं, मैथ्स के भी टॉपिक हम सीक्वेंस से चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी समस्याएं जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा समस्या पैदा होती है मैथ्स और रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो अपने सुझाव भी भेजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं हर वीडियो के नीचे शेयर करता हूँ। उसमें मैं आपको जैसे एरिथमेटिक जब हमारा चालू होगा बीजगणित, तो उसमें प्रश्न मैं पहले से पोस्ट कर दूंगा सो दैट वो प्रश्न आपके पास रहें और प्रश्न यहाँ पर लिखने की या बोलने की आवश्यकता ना पड़े, हम डायरेक्ट उसमें सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।